उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भाजपा के सांसद कौशल किशोर के बेटे को सुबह सरेराह गोली मार दी गई। इस घटना में सांसद का बेटा आयुष घायल हो गया है, जिसे आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत अभी स्थिर है। वहीं इस बीच मामले में एक नया मोड़ भी आ गया है। सांसद के बेटे आयुष के साले ने बताया कि ये साजिश खुद आयुष ने रची थी। बता दें कि भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को बुधवार तड़के गोली मारने के मामले में पुलिस जांच कर रही है। इस बीच आयुष के साले आदर्श ने खुलासा किया कि उनके जीजा ने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई थी। पुलिस पूछताछ में आदर्श ने बताया कि कुछ लोगों को फंसाने का प्लान था, इसलिए ये पूरी साजिश रची गई। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी आदर्श को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। आदर्श ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसे नहीं पता था कि किसे फंसाने की साजिश थी, लेकिन आयुष ने कहा था कि 4-5 लोग थे, उसने आगे से गोली मारी थी। वहीं मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर का कहना है कि आयुष ने लव मैरिज की थी, इसकी वजह से वह हमसे अलग भिटौली के नजदीक रहता है। सुबह तकरीबन 2 बजे वह अपने साले के साथ टहलने निकला था, इसी बीच किसी ने उसे गोली मार दी। वह हमलावर की शक्ल देख नहीं पाया। पुलिस इस पूरे मामले में हमारा सहयोग कर रही है, हमने अभी तहरीर नहीं दी है। बताते चले कि बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को बुधवार तड़के गोली मारने के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। आयुष के साले आदर्श ने खुलासा किया है कि उनके जीजा ने खुद ही अपने ऊपर गोली चलवाई थी। वहीं आयुष की पत्नी और साले पर शुरू से ही शक किया जा रहा था। आयुष की पत्नी भी जांच के दायरे में आ गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस अब पत्नी से भी पूछताछ करेगी। कोई बात रही हो जाएगी, तुमने सामने से गोली मारी है, पीछे मतलब बात ये देगी हो किसी को बेवजह ऐसे ही फैलाना चाहते थे। किसको फैलाना चाहते थे मैं इसके बारे में नहीं जानता कि किसको। देखो आप मत झूठ बोलो, ऐसे बोला था कि 4-5 लोग हैं, मतलब ऐसे मतलब अभी बोले कि हाँ 4-5 लोग हैं, उनके योगा दूंगा योगा दूंगा, आप कोई नहीं रोक सकते। सुनो गोली तुमने कहाँ से मारी है, आगे से पीछे से किधर से? आगे से। आगे से मारी? आगे से। आगे से कैसे मारोगे यार? आगे से, आगे से ही मारी। एंट्री पॉइंट तो पीछे है उसमें, शरीर में एग्जिट पॉइंट हो, बैक हो गया, एग्जिट हो लगी। क्यों तुम लोगों ने किया ऐसा? किसको तुम लोगों को फंसाने का आइडिया? मुझे नहीं था कुछ। नहीं ऐसा नहीं, सही बात बताओ, पूरी प्लानिंग हुई होगी ना? किसको फंसाने? मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानता हूँ, वो पैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग है वो बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं, कोई भी हो, कोई भी हो। जो मेरे नालंद में वो बता रहा हूँ, बताओ। उसको फंसाने के मूड मुझे, इसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह और दोनों और जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गए हो तुम? कभी। ये कारण तुमने खुद गोली मारी उनको? ब्रेकिंग न्यूज राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।